अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, फेस मास्क जो है पैसों में पड़ता है, रुपए में नहीं पैसों में पड़ता है। ये पैसों में कैसे पड़ता है? इसकी मशीनें जो है कितने की इंस्टॉल होती हैं, चाइना की और लोकल और दूसरी? ये सारी मशीनें मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। और सबसे पहली बात यह है कि वायरस की सूरत में जो अल्लाह पाक की आजमाइश आई हुई है हमारे ऊपर, अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम फरमाए, हमें जो है हमारे गुनाहों की जो है माफी मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से। ये आजमाइश है हमारे ऊपर, तो इस घड़ी के अंदर जो है कमाई करने की बजाय लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं एज ए मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक बिजनेस चैनल है स्किल आइडियाज के हवाले से है, तो मैं चाहूंगा कि हम बिजनेस के हवाले से ही इस पर बात करें। तो ये मुश्किल की घड़ी तो टल ही जाएगी, और तो इस हवाले से जो है अभी इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग कम है और इसकी डिमांड ज्यादा है, और ये मेडिकल स्टोर वाले से 10 रुपए का बेचते हैं, तो पड़ता ये पैसों में है। ये साइड पे जो अभी मशीन आप देख रहे हैं, ये नान मून बैग बनाने वाली मशीन है, इसको कन्वर्ट किया गया है मास्क बनाने के लिए। ये 25 से 30 लाख की लग जाती थी पहले, अब ये भी महंगी हो गई है। सुना चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें घर में मैंने मास्क बना के दिखाए थे इसी नान नून बैग फैब्रिक के, पर वो जो है 30 GSM था, यानी कि मोटा कपड़ा था। उसका मैंने आपको हिसाब लगा के दिखाया था, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं कि 65 पैसे का एक जो है मास्क पड़ रहा था 30 GSM का। ये जो मास्क हमें मिलता है मेडिकल स्टोर वगैरह से, ये 15 GSM का होता है। उस हिसाब से ये तकरीबन 20-25 पैसे का पड़ता है एक मास्क, और पतली सी रबड़ होती है इसके साथ लगी हुई वो कानों में लगाने के लिए। तो ये मास्क जो है पैसों में पड़ता है। तो ये साइड में आप देख रहे हैं ये मास्क की प्राइसेस जो लगी हुई हैं अलीबाबा पे, तो ये भी पैसों में दे रहे हैं। पर इधर मसला एक है कि जब वहां से आएगा तो आपको रेंट भी पड़ेगा और कस्टम भी पड़ेगा। ये कम पैसों वाली चीज है, इसलिए ये यहाँ पे महंगी पड़ जाएगी। अगर यहीं पे मैन्युफैक्चर हो तो ये चीज यहाँ पे ज्यादा सस्ती पड़ेगी, क्योंकि सस्ती चीज जो है वो हमेशा महंगी पड़ती है कस्टम और रेंट की वजह से। तो यहाँ पे एक भाई लोकल भी बना रहा है, तो उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ और वो मशीन भी दिखाता हूँ। वो लोकल जो बनी हुई है वो तकरीबन 13 लाख के राउंड अबाउट जो है वो तैयार हो जाती है मशीन, तो वो भी आप लगा सकते हैं। और इस तरह की जो चीजें हैं अभी मास्क और सैनिटाइजर वगैरह, इनकी मांग में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। या जरासीम कष्ट जो दवाएं हैं उनकी मांग में इजाफा है, अब ये जो है ना पहले से ज्यादा इनकी जो है डिमांड रहेगी। आप इसको जितना भी सस्ता बेच लें लेकिन मुनाफा फिर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पैसों में पड़ रहा है। आप इसको 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए का भी बेचें तो मुनाफा इसमें बहुत ज्यादा है। इसकी प्रोडक्शन का आप अंदाजा लगाएं, 1 मिनट में मशीनें मुख्तलिफ स्पीड होती है, 60 से लेके 200 पीस तक फी मिनट में एक मशीन निकाल देती है। अब डिपेंड करता है मशीन की स्पीड कितनी है, तो आप फी घंटे के हिसाब से लगा लें, 100 की एवरेज लगा लें, 1 घंटे में कितने निकलते हैं, तो 8 घंटे अगर आप मशीन चलाती हैं तो 50,000 से भी ज्यादा प्रॉफिट है 8 घंटे के अंदर एक दिन में। तो प्रॉफिट रेशियो इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिटेलर में पहले 10 रुपए का बिकता था, आजकल महंगा बेच रहे हैं। तो ये एक अच्छा बिजनेस है मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि इसमें मशीनें कम लगी हुई हैं, यहाँ पे मांग ज्यादा है और मांग मजीद इंशाल्लाह बढ़ती जा रही है इसकी। तो एहतियात भी करनी चाहिए लोगों को, तो दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह पाक ना ऐसा टाइम हमारे ऊपर लेके आए। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें आप, फिर आप वीडियो में खो जाते हैं, भूल जाते हैं। मास्क बनाने वाली जो मशीन है ये $40,000, $60,000, $80,000, यानी कि ये इसकी प्राइसेस है। मशीन ये बड़ी महंगी है, अगर आपको कहीं कम प्राइस में वहां पे मिलती है तो वो समझे फेक है, वो झूठ है। मैंने सारी इसकी जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। इन मशीनों की प्राइस आप अलीबाबा के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उन्होंने लगाई हुई है अपनी मशीनें। तो इन्वेस्टमेंट तो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही टाइम इसमें इन्वेस्ट होगा। तो सारी मशीनें आप देख रहे हैं ये कैसे जो है मास्क निकाली जा रही हैं। ये जो इसका फैब्रिक है, इसका कपड़ा है, ये पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल है। ये दो कंपनियां हैं, एक मुंडिया और एक चावला। मुंडिया जो है कराची में है, चावला फैसलाबाद में है। नेट से आप इनके नंबर निकाल के इनके साथ राबता कर सकते हैं, ये आपको जो है इसका फैब्रिक, इसका कपड़ा आपको जो है वहां से आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यही दो कंपनियां सिर्फ जो सप्लाई करती हैं मेरे इलम में जो है। और पाकिस्तान के अंदर जो भाई अभी मशीनें जो है इंस्टॉल करके देते थे, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने तो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा अब हम मशीनें इंस्टॉल करके नहीं दे रहे, बेशक बैग वाली हैं, बेशक ये मास्क वाली हैं। तो उनकी कोई जाती वजह होगी पर्सनल, वो अब नहीं इंस्टॉल करके दे रहे। इसलिए अगर कोई भाई मशीनें इम्पोर्ट करके देता है पाकिस्तान में,
तो वो नीचे कमेंट में अपना नंबर दे दे, और जो लोग इंस्टॉल करवाना चाहते हैं वो भी किसी बाएतमाद अच्छी कंपनी के साथ डील करें, ताकि जो है उनको साथ धोखा ना हो, क्योंकि इस माशरे में फ्रॉड धोखा ज्यादा है। तो देखभाल के तसल्ली से किसी काबिल एतमाद कंपनी के साथ डील कीजिएगा। ये जो मशीन आप देख रहे हैं साइड पे, ये लोकल बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये 13 लाख के राउंड अबाउट जो है तैयार हो रही है। इसके पैसों में पड़ता है, अगर आप इसको 2-3 रुपए 4 रुपए का भी बेचे तो कितने गुना इसमें मुनाफा है। तो 10 रुपए का तो ये आराम से बिकता है इसमें, रिटेलर जो है 10 रुपए का बेचते हैं, तो आपको पैसों में पड़ता है ये। तो इसके अंदर प्रॉफिट रेशियो जो है बहुत ज्यादा है, और मांग भी इसकी ज्यादा है, और रहेगी भी ज्यादा मांग इसकी। तो इस हिसाब से ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, तो और लोगों की जरूरत भी है। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।